एट टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई, एम्पलीट्यूड किससे करते हैं, ए, तो वाई इज इक्वल टू ए बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू ए बाई टू पे फाइंड फ्रैक्शन ऑफ कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक है और कितनी पोटेंशियल है, तो क्या निकालना है, काइनेटिक बाई टोटल फ्रैक्शन, पोटेंशियल बाई टोटल फ्रैक्शन, तो काइनेटिक है, टोटल एनर्जी तो पता ही हमें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, काइनेटिक है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, ए बाई टू, तो ए बाई टू पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, तो क्या आ गया यहाँ पर काइनेटिक, तो फ्रैक्शन क्या होगा, काइनेटिक बाय टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, टोटल एनर्जी आपके पास है, डिवाइड करके क्या आ गया, 3/4 आंसर। तो अगर ये फ्रैक्शन काइनेटिक है तो पोटेंशियल की फ्रैक्शन क्या होगी, 1 में से 3/4 माइनस करो आंसर 1/4 आंसर, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्लियर है। देखो अगर वो फॉर्मूला क्लियर है तो वाई की जगह ए बाई टू पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करो, काइनेटिक एनर्जी की फ्रैक्शन आएगी, पोटेंशियल की फ्रैक्शन आएगी, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत आया, ये तो आंसर अटा पड़ा है, कम से कम 5-7 बार आ रखा है सेम क्वेश्चन नीट मेन में, 5-7 बार, इस बार फिर आया 2023 में, देख लेना प्रीवियस ईयर। अ पार्टिकल इन एस एच एम ऑफ एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, वाई, फ्रॉम मीन पोजिशन इज द एनर्जी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल, हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक, तो काइनेटिक का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, साई टर्म्स कैंसिल हो गई, वाई निकाल दो इन टर्म्स ऑफ ए, ए बाई टू आंसर, सही, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है, जैसे ये हमने कर लिया, ये लो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स अ सेकेंड, नोट लिखो फॉर्मूला बुकलेट में, अ पेंडुलम विच टिक्स अ सेकेंड, बस इतना लिखो, अ पेंडुलम विच टिक्स अ सेकेंड का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, अगर पेपर में आ जाए अ पेंडुलम विच टिक्स अ सेकेंड तो लिख लो नीचे उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड लेना चाहिए, या फिर अगर लिखा हो अ पेंडुलम इज अ सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम देखते ही टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ये नोट कर लें, ये फॉर्मूला बुकलेट पे नोट करें, अगर स्टेटमेंट आ जाए अ पेंडुलम टिक्स अ सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड, सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ठीक है, तो लिख लिया, तो ठीक है उसकी लेंथ निकाल दो कह रहा है, तो पुट कर दो, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम होता क्या है, 2 पेंडुलम ऑफ एल बाई जी, टाइम पीरियड 2 पुट कर दो, जी 9.8, एल निकाल दो आंसर, बाकी तो कुछ है ही, मेन ट्रिक तो वही था, टाइम पीरियड क्या होगा, नेक्स्ट देखो। तो क्या क्वेश्चन है, अ सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम का मतलब जिसका टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकेंड है, एक कैरेज में लेके जा रहे हैं, फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालो, व्हेन द कैरेज मूव्स अप विद एन एक्सीलेशन ऑफ 4, डाउन विद एन एक्सीलेशन ऑफ 4 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एक्सीलेशन ऑफ 4, तो सबसे पहले सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 2π√L/g में टाइम को 2 सेकेंड पुट करके, g को 9.8 पुट करके लेंथ निकल सकती है, क्योंकि अगले पार्ट में हमने को लेंथ चाहिए होगी, लेंथ तो गिवन नहीं, तो हमने टाइम पीरियड से पहले लेंथ निकाल ली। अब इंपॉर्टेंट ये लिफ्ट वाले केस हैं कि अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जाती है तो टाइम पीरियड क्या होगा, वैसे टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, पर जब जब लिफ्ट ऊपर गई है वहां पर हम जहां g दिखता है वहां पर क्या लगाते हैं, g+a, याद है लॉज ऑफ मोशन में किया था लिफ्ट वाले केसेस, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 2π√L/g+a, एल हमने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया, g और a हमें पता है आंसर, अगर पेंडुलम ऊपर जाने की बजाय नीचे एक्सेलरेट होता हुआ आ रहा है
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए, नहीं जी माइनस ए। तो एल पता है, जी पता है, ए पता है, यहां से आंसर आएगा। अगर आपका पेंडुलम ना ऊपर ना नीचे, कहां जा रहा है आपका पेंडुलम, मान लो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, जैसे सपोज करो ये आपका पेंडुलम है और ये पेंडुलम आगे एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4, कुछ भी, तो पेंडुलम सूडो फोर्स की वजह से पीछे आ जाएगा, तो ए पीछे हो जाएगा, जी तो इसका नीचे है ही है, तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, ये आंसर मार्क करना है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, लिफ्ट नीचे जाएगी, कैरेज राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो कैसे जी की वैल्यू चेंज होगी, वहां से टाइम पीरियड की वैल्यूज चेंज होगी। जैसे नेक्स्ट है, इन डायग्राम को थोड़ा रट लो, मेंस में कम से कम 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर आ रखे हैं और पूरे प्रीवियस ईयर में 5-7 बार तो रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन पसंद आता है उनको स्प्रिंग मास पे, यही क्वेश्चन है वो। सबसे पहले क्या करना है, वो कहेगा टाइम पीरियड निकालो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर ये दो स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड हैं तो ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो नोट कर लो, सबसे पहले हमने वर्क बाय एनर्जी में किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक बार फिर से नोट कर लो, हमने किया हुआ है लेकिन फिर से एक बार नोट कर लो, ये होता है। तो पैरेलल में और सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट का ये फॉर्मूला नोट करो, पहले किया हुआ है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये दो स्प्रिंग पैरेलल में है, वो कहेगा टाइम पीरियड निकालो, इसका क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर दो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दो की जगह एक स्प्रिंग लगाएं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, 2k, तो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई 2k इज द आंसर। दो की जगह एक स्प्रिंग लगाएंगे और स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो k प्लस k क्या हो जाएगा, 2k आंसर। ये स्प्रिंग के नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज के अंदर K1 K2 K1 प्लस K2 सॉल्व करके K/2, तो दो की जगह जब एक स्प्रिंग लगेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, K/2, तो क्या आएगा टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय K/2, तो 2k की जगह K/2। अच्छा ये बहुत है, इसको स्टार लगा लो यार, ये देखते ही एक स्प्रिंग और स्प्रिंग के बीच में अगर मास लगा हुआ है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमने वैसे तो ये वर्क बाय एनर्जी में किया पर लोग भूल जाते हैं, हमने ऐसे किया था, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसा करवाया था कि अगर मान लो एक स्प्रिंग है, एक मास है और एक स्प्रिंग है, पूछा भी था ये उस टाइम, ये पैरेलल में है कि सीरीज में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसे सिखाया था कि अगर आप ऐसा कर लें, इसको दोनों हाथों से उठा के स्प्रिंग को ऐसे पकड़ लें, ये देखें, यहां से ये पकड़ के हवा में लटका दें तो डायग्राम ऐसा बनेगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, सीरीज ही बनेगी, तो लिख लें स्टार बना के, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये या ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने, याद रहेगा। यहां पर अगर स्प्रिंग के साथ इमीडिएटली स्प्रिंग है फिर तो सीरीज है, पर स्प्रिंग के बाद, मास के बाद स्प्रिंग है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा मैं रीजन बताता हूं आपको 2 मिनट में, यहां तक क्लियर है। तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई, दो स्प्रिंग के एंड के पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, m बाई 2k आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन है, ट्रे है जिसका मास 12 kg है, तो एक खाली ट्रे है, 12 किलो की ट्रे है, नीचे लगे हुए हैं दो स्प्रिंग ऐसे, सिर्फ ट्रे है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड k है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टाइम पीरियड 1.5 सेकेंड है, अगर मैं इसको मूव करवाता हूं तो टाइम पीरियड 1.5 सेकेंड है। तो पहला केस क्या बनेगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ट्रे का मास 12 केजी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में के एंड के क्या बनेगा, 2k। तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, आपको टाइम पीरियड पता है 1.5 है, ट्रे का मास आपको 12 पता है, सॉल्व करके k आ जाएगा, और पहला पार्ट यही था, फाइंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, पहला पार्ट क्लियर है। अब वो कह रहा है कि इस
ट्रे के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया एम के जी का, तो टाइम पीरियड चेंज हो गया 3 सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, टी डैश 3 सेकेंड 2 पाई अंडर रूट ऑफ 12 प्लस m, क्योंकि 12 kg की तो ट्रे है, ऊपर अपने मास भी रख दिया, तो कुल मिला के मास क्या हो गया 12 प्लस m डिवाइडेड बाई 2 k। तो ए पार्ट से आपने के तो निकाल लिया, 12 kg आपको पता है, टाइम पीरियड आपको पता है, सॉल्व करके m की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k के न्यूमेरिकल कैसे चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है यहां तक। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा स्प्रिंग मास सिस्टम को उठा के मैंने किस में डाल दिया, किसी पानी में डाल दिया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि ना तो मास चेंज होगा पानी में ना स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा पानी में, सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जी तो आता ही नहीं ना, तो अपथ्रस्ट का जो मर्जी करते रहो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स में भी अपथ्रस्ट लगना है और वेट में भी लगना है, फर्क नहीं पड़ रहा। चलो नेक्स्ट है, ये देखो बोलो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, और के किस में है, पैरेलल स्प्रिंग, स्प्रिंग और मास बीच में है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई 2 k, क्लियर है यहां तक। तो अगर प्रूफ देख रहे हैं ये पैरेलल क्यों है, ये बहुत बढ़िया प्रूफ है, ये देखो ये सिस्टम ऐसा था, आपने कंप्रेस कर दिया, मींस इसको यहां ले गए, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया उतना ही ये स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, अगर ये x कंप्रेस हुआ तो x एक्सपैंड हुआ तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, माइनस के एक्स ये आ गया, तो टोटल फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन यहां पे आ गई, SHM प्रूव हो गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा 2π/T है तो 2π√m/2k है, छोड़ो ना सारी कहानी, 2k का मतलब पैरेलल है, k और k छोड़ो, इतना लंबा कौन करेगा, हो गया बस पैरेलल है, आपके सामने ही है, प्रूफ तो हो ही गया, पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं ना, वैसे हमें तो याद है, देखते ही पता लगता है हमें 2π की दो स्प्रिंग्स पैरेलल में, जैसे ये एक केस है जिसमें दो स्प्रिंग है और एक मास है, स्प्रिंग और मास है, ये स्लाइड कर सकता है, लिख लें ये स्लाइड, ये रोल नहीं है, ये स्लाइड करेगा मास है, तो ये दो स्प्रिंग किस में कनेक्टेड है बोलो, सीरीज में ब्लीच, क्योंकि स्प्रिंग के साथ इमीडिएटली एक और स्प्रिंग है, तो K1 K2 किस में, सीरीज में, तो बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2π अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई K1 K2 बाई K1 प्लस K2, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2π अंडर रूट ऑफ m K1 प्लस K2 K1 इंटू K2। वो पूछ रहा है मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो कर दो इसका रेसिप्रोकल, प्रूव हो गया फ्रीक्वेंसी, कह रहे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल दो, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे निकाला, पहले सीरीज में ले लिया, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है यहां तक। तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई भी SHM को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैथ के लोग समझ सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, तो मेडिकल के लोग फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब कि भी जो भी फॉर्मूला है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो वाई ले लो, वाई इज इक्वल टू 10 sin समथिंग, इसको देखते हुए एम्पलीट्यूड बोलो क्या होगा, आप अपनी इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, हमने क्या इक्वेशन याद कर रखी है, ए अगर ये साइन बोलेगा हम साइन लेंगे, कॉस बोलेगा हम कॉस ले लेंगे, तो साइन है तो साइन, ओमेगा टी, वैसे हमने ओमेगा टी कर रखी है पर ये कुछ पीछे ऐड कर रहा है, ऐड करने का मतलब ये 5 होगा पक्का, इनिशियल फेज है इसका मतलब, तो कंपेयर करें एम्पलीट्यूड क्या आ गया इसमें 10, ओमेगा क्या आ गया इसमें 20 radians per second, इनिशियल फेज क्या आ गया 0.5 radians, हो गया कंपैरिजन, ओमेगा क्योंकि 20 आ गया, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी, वहां से फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है टाइम पीरियड, वहां से टाइम पीरियड भी आ गया, सही है, तो कंपैरिजन से कैसे काम चलेगा समझ में आ रहा है, आप अपनी इक्वेशंस के नीचे लिख लो ना, ये इक्वेशन आपकी है, आपने क्या याद की हुई है a sin ओमेगा t प्लस 5, तो कंपेयर करो a 10 आ गया, ओमेगा 20 आ गया, 5.5 आ गया, डन हो गया, कंपैरिजन क्लियर है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है किसी भी SHM में डिस्प्लेसमेंट x टाइम पे डिपेंडेंट है, जो ये फॉर्मूला फॉलो कर रही है, क्योंकि फॉर्मूला साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया a cos ओमेगा t प्लस 5 लिख दिया, दे दिया, ये फॉर्मूला आपने फॉलो करना है। क्वेश्चन है जब टाइम 0 है तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल 1 सेंटीमीटर है,
यानी कि टाइम जीरो पे एक्स की वैल्यू एक है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब टाइम जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी मींस जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी पाई है। एम्पलीट्यूड बोलो क्या होगा, और ये गिवन कर लो, ओमेगा पाई रेडियंस पर सेकेंड गिवन है। अब एक एक करके करो, आपने अपनी पहली इक्वेशन लिखो जो गिवन है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दी। क्या गिवन है? जब टाइम जीरो है, टाइम को यहां पे उठा के जीरो पुट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वन है। तो क्या बना? ए कॉस फाइव इक्वल टू वन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी पाई। अब प्रॉब्लम ही है, अपने को वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, तो एक काम करना पड़ेगा, पहले अपने को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स बाई डी टी। एक्स तो हमें मालूम है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट क्या करेंगे? ए इंटू कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ऑफ एक्स, मतलब कॉस ऑफ जो भी एंगल माइनस जो भी एंगल, इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल भी करना पड़ेगा। तो ये हमने कैलकुलस में किया था। तो यहां से माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, इसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो, ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ गया, तो क्या बना? माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक, वी की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं? जब टाइम की वैल्यू जीरो है, इसमें उठा के टाइम को जीरो पुट करो पहले, तो साइन फाइव बच गया। ओमेगा क्वेश्चन में पाई गिवन है, तो वेलोसिटी भी पाई, वी भी गिवन पाई, ओमेगा भी गिवन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा? ए साइन फाइव माइनस वन आ गया, एक और इक्वेशन आ गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है ए कॉस फाइव, ए साइन फाइव दूसरी इक्वेशन है, इनको स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो। जब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये टू बन जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? वन, तो ए की वैल्यू क्या है? रूट टू, आंसर आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड करके देख लो, ए साइन फाइव को ए कॉस फाइव से डिवाइड करेंगे तो टेन फाइव आएगा, टेन फाइव क्या है? माइनस वन, तो फाइव क्या है? माइनस पाई बाय फोर या थ्री पाई बाय फोर, एक ही बात है। तो आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें, पर क्योंकि एक्स जानबूझ के उसने कॉस में दिया ताकि वो चाहता है कि आप कैलकुलस यूज करके पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल लें। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, किसी भी एसएचएम में एम्पलीट्यूड कितना है? 25 है, टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, फाइंड मिनिमम टाइम फॉर अ पार्टिकल टू मूव बिटवीन टू पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन। तो ये कौन सी पोजिशन है? मीन। मीन पोजिशन से 12.5 सेंटीमीटर दूर कितना समय लगा कवर करने में, ये बताओ। और आइदर साइड का मतलब इधर भी निकालना है और इधर भी निकालना है, कोई बात नहीं, अगर एक टाइम आ गया उसको डबल से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम आ जाएगा, राइट, क्लियर है। तो इसमें वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लगाएं, तो किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट ये होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट मीन से कितनी है? 12.5, एम्पलीट्यूड आपको 25 गिवन है, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी भी गिवन है 3 सेकंड। यहां से साइन ऑफ ये जो एंगल है हाफ आ गया, साइन थीटा हाफ कब होता है? जब एंगल पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो टाइम की वैल्यू आ गई, कैपिटल टी 3 गिवन है तो टाइम आ गया 0.25 सेकंड में बॉडी 12.5 सेंटीमीटर कवर करेगी। पर हमने तो आइदर साइड निकालना है, इस रिजल्ट को 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, आंसर आएगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक, कोई डाउट इसमें? और ये क्वेश्चन में एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वेलोसिटी v1 है जब डिस्प्लेसमेंट y1 है, वेलोसिटी v2 है जब डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो टाइम पीरियड प्रूव करो इसके इक्वल है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये v और y का। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है जब डिस्प्लेसमेंट y1 है तो वेलोसिटी v1 है, जब इसको स्क्वायर कर दिया, जब वेलोसिटी v2 है तो डिस्प्लेसमेंट y2 है, इन्हें माइनस कर दिया, माइनस करके ए स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये टर्म आ जाएगी, यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, ओमेगा 2 पाई, या टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को डिनोमिनेटर में लेके आंसर आ गया। बहुत फेमस है ये क्वेश्चन,
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे रूल लगने हैं, बड़े फेम जो क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैं पहले वही करवा रहा हूँ सारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आज का लेक्चर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम नीट और मेंस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेंस और नीट के पेपर सॉल्व कर लेना, अभी से सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे आपसे इसी बेस पे। अभी तो कुछ करवाया नहीं है, अभी तो चैप्टर खुला ही नहीं है पूरी तरह, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मान लो मैक्सिमम एक्सीलरेशन SHM में अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बीट है, टाइम पीरियड निकाल लो। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए जो कि क्या है अल्फा है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा जो कि बीट है। इन्हें सॉल्व करके ए और ओमेगा निकाल लो, कैसे, इसको स्क्वेयरिंग कर लो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ए आ गया, ए आ गया, कहीं भी पुट कर दो तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड को मैंने डिवाइड ही कर दिया, ए से ए कैंसिल करके ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या होता है 2π/T, आंसर आ गया। मेन चीज सॉल्व करना नहीं है, मेन चीज है कि आपको क्या ये इक्वेशंस का फॉर्मूला क्लियर है, फिर तो आपने साइमल्टेनियसली क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, ठीक है यहां तक।